नाम जयेश राव जी सेजपाल, धंधा चोरी, निशाना 3 स्टार 5 स्टार और 7 स्टार होटल। करनाल पुलिस की हिरासत में चल रहे इस शख्स को देखिए, ये शख्स चोर नंबर 1 है। आप अक्सर अपने सीवी में जॉब एक्सपीरियंस लिखते होंगे, इनके पास भी एक्सपीरियंस है चोरी का, वो भी 20 साल से ज्यादा का। इन्होंने अपने बाल चोरी करते करते सफेद किए हैं, लेकिन फिर भी पुलिस के हाथ लग ही गए। ये एक ऐसा चोर है जो किसी के घर, दुकान या फिर रेलवे स्टेशन पर चोरी नहीं करता था, बल्कि ये चोरी अलग अलग शहर के 3 स्टार 5 स्टार और 7 स्टार होटलों में किया करता था। लोग देश के अलग अलग शहरों में घूमने जाते हैं, लेकिन ये शख्स चोरी करने जाता था। मुंबई, कोलकाता, जालंधर, आगरा, जयपुर, हैदराबाद, रायपुर, उदयपुर, नागपुर, चंडीगढ़, विशाखापट्टनम जैसे शहरों में इस शख्स ने चोरी की वारदातों को अंजाम दिया है। इस चोर ने तो करनाल के नूर महल को भी नहीं बख्शा और यहां से उसने 15 तोले सोने और 3800 रुपए चुराए थे। आरोपी ने पूछताछ में बताया है कि किसी भी शहर में सबसे पहले जाकर वो बस अड्डे के आसपास रुकता था और वहां के महंगे होटलों की रेकी करता था और रेकी करने के लिए ई रिक्शा या फिर ऑटो का प्रयोग करता था, जिसके बाद आरोपी होटल चिन्हित करके उस होटल का कॉन्टैक्ट नंबर ऑनलाइन निकालता था। उसके बाद उस नंबर पर फोन करके पार्टी या शादी का प्रोग्राम बुक करने की बात करके उस होटल में होने वाले प्रोग्रामों की डिटेल जुटा लेता था और उस होटल की व्यवस्था और डेकोरेशन देखने के बहाने उस होटल में आकर उसकी अच्छी तरह से रेकी कर लेता था और जानकारी इकट्ठा करने के बाद उस होटल में किसी प्रोग्राम के दौरान आरोपी उस होटलों में महिलाओं के ठहरने वाले कमरों की रेकी करता था और जब महिलाएं अपने कमरे को लॉक कर प्रोग्राम में चली जाती थी तो इंटरकॉम के द्वारा होटल के रिसेप्शन पर कॉल करके कहता था कि यह कमरा मेरी पत्नी का है और कमरे की चाबी गलती से कमरे के अंदर ही रह गई है, इस कमरे का लॉक खोल दो, इसमें से सामान निकालना है। लेकिन जब होटल वाले उससे उसकी पत्नी का नाम पूछते और नाम गलत मिलता तो होटल वाले कहते कि ये कमरा इस महिला का नहीं बल्कि किसी दूसरी महिला के नाम पर बुक है। जिसके कुछ देर बाद आरोपी फिर से इंटरकॉम के जरिए फोन करता था और रिसेप्शन वालों द्वारा बताए गए नाम को दोहराता और चाबी अंदर होने की बात कहता, जिसके बाद होटल स्टाफ उसके बताए कमरे का ताला खोलकर निकल जाता था, जिसके बाद आरोपी उस कमरे में रखा सारा सामान लेकर वहां से फरार हो जाता था। इस आरोपी को लेकर करनाल के एसपी शशांक सावन ने क्या कहा, सुनिए। कुछ दिन पहले यहां पे नूर महल में एक बड़ी चोरी हुई थी, उसमें 216 नंबर मुकदमा दर्ज हुआ था सेक्टर 32-33 थाने में, जहां पे अब एक जो शातिर चोर है जो कई शहरों में चोरी करके आया हुआ है, तो वहां पे शादी थी तो कमरे में घुस के और जो लॉकर खोल के हीरे जवाहरात वो ले गया था, वहाँ से जो भी ज्वेलरी थी उनकी वो ले गया था। और इसमें टीम ने काफ़ी मेहनत की, स्पेशल डिटेक्टिव टीम ने, और रायपुर छत्तीसगढ़ से उसको अरेस्ट किया और फिर उनसे उसको उससे जो ऑलमोस्ट 150 ग्राम का जो गोल्ड है वो रिकवर हुआ है और उसने ये कबूला है कि उसको 24 वारदातों में पहले इन्वॉल्व रहा है जिसमें उसकी गिरफ्तारी रही है। वो उसका जो मोडस ऑपरेंडी यही था कि वो ऑल ओवर दी कंट्री जो 3-स्टार 5-स्टार होटल से वहाँ पे जाके और वहाँ पे नाटक करता था कि वो कमरे का चाबी भूल गया और कमरे खुलवाता था और फिर बाद में थोड़ी देर बाद बोलता था कि वो लॉकर का पासवर्ड भूल गया, फिर लॉकर खुलवाता था और वहाँ से वो चोरी करते जाता था। इसमें डेफिनेटली होटल वालों की भी काफ़ी लापरवाही रही है, पहले जैसा कि दूसरी जगह भी ऐसे ही है कि जो इनकी SOP है लॉकर खोलने को लेकर और जो कमरे खोलने को लेकर, इसके बारे में उन्होंने कोई प्रिकॉशंस नहीं बढ़ते, जो भी SOP थी वो फॉलो नहीं हुई। सबसे बड़ी चोरी ये थी? नहीं, ऐसा नहीं, चोरी तो उसने काफ़ी कर रखी है और काफ़ी चीज़ें वो बड़ा मुश्किल से बताया उसने, काफ़ी बताया जैसे कि शातिर चोर है और रिमांड पे लिया जाएगा, रिमांड पे लेके उसे रिकवरी कराई गई है और 9 दिन का रिमांड पे लिया था हमने। तो उसने जो चोरी जो करी है मुंबई, कोलकाता, चंडीगढ़, जालंधर, जयपुर, आगरा, हैदराबाद, ऑल ओवर कंट्री जैसा बताया। कंप्लेंटेंट ने क्या बताया था, किस तरह से उनको उनका सामान जो है वो चुराया गया? इसका मोडस ऑपरेंडी मैंने आपको पहले बता दिया कि कमरा खुलवा के कि मैं अपना वो चाबी भूल गया हूँ, कमरा खुल जाता था, थोड़ी देर बाद बोलता था कि भाई मैं लॉकर का पासवर्ड भूल गया हूँ। तो होटल की टीम ने कमरा भी खुलवाया उसका और लॉकर भी खुलवाया,
उसमें उनके SOP है कि लॉकर खुलवाने के समय आपको 3 लोग प्रेजेंट होने चाहिए, आई कार्ड चेक होने चाहिए, कंफर्म होने चाहिए बुकिंग है कि नहीं, वो सारी SOP फॉलो नहीं की गई थी। जानकारी के मुताबिक आरोपी पहले मुंबई के ताज होटल में कैटरिंग में काम करता था, जिसकी वजह से आरोपी को होटल से संबंधित सारी जानकारी थी। करनाल से कमलदीप के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, हरियाणा तक।